बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में लेखा शास्त्र विषय में लेखांकन एक परिचय, रसायन विज्ञान विषय में पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण व कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में ठोस अवस्था परिचय और बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेखा शास्त्र क्लास 11th पढ़ाने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड में 11th क्लास में NCERT सिलेबस लागू हो चुका है और हम इसी सिलेबस का अध्ययन यहाँ करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जब यहाँ हम पढ़ेंगे NCERT सिलेबस, तो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर होंगे और इन 13 चैप्टर को बारी बारी एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे। लेखा शास्त्र आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया सब्जेक्ट है। आपको यहाँ इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पहला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, वो मिलेगा लेखांकन एक परिचय। यहाँ हम लेखांकन के बारे में जानेंगे, लेखांकन क्या है, लेखांकन का क्या इतिहास रहा है, लेखांकन की क्यों आवश्यकता हुई, क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या इसकी प्रकृति थी, और कुछ ऐसे शब्द जो हमारे लिए नए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर से, जिसका नाम है लेखांकन एक परिचय। हमारा पहला पाठ आप लोगों के सामने है, आप इस पाठ को बड़े प्यार से देखें और समझें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लेखांकन के बारे में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं इंसान की एक आदत होती है भूल जाने की। इंसान कुछ अपने व्यवहारों को, अपने द्वारा किए गए काम को भूल जाता है। उन भूले गए कामों को याद रखने का एक तरीका अपनाया जाता है लिखने का। कहा जाता है कि लिखी हुई चीज कोई भी इंसान भूलता नहीं है, इसलिए जितने भी हमारे व्यापारी बंधु थे, उन्होंने भी इस प्रक्रिया को अपने व्यापार में अपनाना शुरू किया। इन सभी ने इस प्रक्रिया को अपने व्यापार में अपनाया और लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ की। चलिए हम पढ़ते हैं ये लिखना लेखांकन क्या है और क्या क्या इसकी बातें हैं। लेखांकन लेखापाल द्वारा, लेखापाल आपके लिए एक शब्द, नया शब्द है। लेखापाल हम अकाउंटेंट को बोलते हैं, वह व्यक्ति जो लेखा शास्त्र के लेखापाल यानी जितने भी व्यापारी ने जो लेन देन किए उन सभी लिखने उन लेन देनों को लिखने का काम करता है लेखापाल द्वारा। हिसाब किताब रखने तक सीमित नहीं रहा। पहले क्या होता था कि केवल व्यापारी जो उधार माल बेचता था या उधार माल खरीदता था, उनको अपनी पुस्तकों में, अपनी सहायक पुस्तकों में लिख लेता था, ताकि जिस व्यक्ति से पैसा लेना है और जिस व्यक्ति को पैसा देना है, इसकी सूचना मिलती रहे। आधुनिक समय में लेखांकन प्रबंधकों तथा इच्छुक व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध करवाना है। लेखांकन का शब्द का अर्थ आधुनिक समय में बदल गया। आधुनिक समय में लेखांकन का क्या अर्थ है कि जो प्रबंधक है, प्रबंधक किसे कहते हैं, मैनेजर यानी व्यवसाय के प्रबंध का जो कार्य करते हैं वो प्रबंधक होते हैं, तथा इच्छुक व्यक्ति वे व्यक्ति जिनको इन सूचनाओं की आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध करवाना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें सूचनाएं क्यों चाहिए, क्यों ये इसकी इच्छा रखते हैं? देखिए,
सूचनाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति वे होते हैं जो भविष्य में कुछ योजनाएं बनाना चाहते हैं। भविष्य में उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें पुरानी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। वे चाहते हैं कि इन सूचनाओं के माध्यम से हम आगे के भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करें ताकि व्यापार में किसी प्रकार की हानि ना हो। तो लेखांकन का काम आज हिसाब किताब रखना ही नहीं रहा है, लेखापाल उस सूचनाओं को जो इच्छुक व्यक्ति है उन तक पहुंचाने का काम भी करता है, जिससे वो निर्णय लेने में सक्षम हो। क्यों उन्हें सूचनाएं क्यों उपलब्ध करवाई जाती है? ताकि वह व्यक्ति उन सूचनाओं को प्राप्त कर निर्णय ले सके। अब हम बात करते हैं लेखांकन के अर्थ की। वर्ष 1941, हम शुरुआत करते हैं सन 1941, यहाँ पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में काम कर रही है, ने लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार दी। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या कहा लेखांकन के बारे में। लेखांकन का संबंध उन लेन देन किसे कहेंगे, घटना को। घटना किसे कहेंगे, जो हमने वस्तु खरीदी या बेची है वो हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण से लेन देन या घटना है। मैंने आपको 10 रुपये का माल बेचा, ये हम दोनों के बीच एक घटना है, लेन देन है। मैंने आपसे 50,000 रुपये का माल खरीदा, ये हम दोनों के बीच में एक लेन देन और एक घटना है, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। वित्तीय प्रकृति किसे कहते हैं? देखिए, वित्तीय प्रकृति का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसी घटनाएं, ऐसे लेन देन जिन्हें वित्त के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हो। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताएं, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं? क्यों बनाती है वो खाना? वो आपके लिए जो खाना बनाती है वो बनाती है प्यारवश, वो चाहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी भूखा ना रहे। लेकिन अगर वही, क्या उसके बदले में आप अपनी मम्मा को कोई पैसे देते हैं? क्या मम्मा को किसी प्रकार के वित्त मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपकी मम्मा, आपकी माता श्री खाना बनाए किसी के टिफिन के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए, तो बताए क्या वहाँ आपकी मम्मी को पैसा नहीं मिलेगा? खाने के बदले में पैसा मिलेगा, वो पैसा ही क्या होगा उसके लिए? वित्तीय प्रकृति, यानी ऐसे लेन देन जिनसे आज या भविष्य में वित्त यानी पैसे की प्राप्ति होने वाली है वो कहलाते हैं वित्तीय प्रकृति के लेन देन। तो लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं का लेखा करने की बात कही गई है जो वित्तीय प्रकृति के है। मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने यानी जिनसे मुद्रा प्राप्त होगी उसको लिखने, वर्गीकृत यानी बांटने, संक्षेप में व्यक्त करने यानी उसको हम संक्षिप्त कर सकते हो, और परिणामों का विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। लेखांकन किसको कहा? लेखांकन का ऐसी घटनाएं जो वित्तीय प्रकृति की है, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनको मुद्रा में लिखा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो उसके परिणाम प्राप्त होंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला ही हमारे लिए क्या है, लेखांकन है। यानी लेखांकन में सबसे महत्वपूर्ण बात है ऐसी घटनाएं जो वित्तीय प्रकृति की है उन्हें लिखा जाता है। उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप धीरे 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 हमारी इस सभ्यता ने, हमारे समाज में बदलाव हुए, ये विकास हुए, और विकास के बाद लेखांकन और की भूमिका और क्षेत्र का भी विस्तार होता गया। वो परिभाषा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने जो दी थी वो 1941 में दी थी। अब हमारे पास एक नई परिभाषा आई 1966 में जो दी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA ने। अकाउंटिंग एसोसिएशन ये अमेरिका की एक एसोसिएशन थी जिसने 1966 में एक नई परिभाषा दी आज की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए कि लेखांकन आर्थिक सूचनाएं को पहचानने, मापने, संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। क्या कहा उन्होंने? आर्थिक सूचनाएं
वही बात यहाँ आ रही है, वित्तीय प्रकृति की सूचनाएं जिनको पहचानना, सबसे पहले पहचाना जाएगा कि क्या ये वित्तीय प्रकृति की है या नहीं, मापना, उसके बाद उसका मापन किया जाएगा। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एक सूचना को दूसरी जगह आदान प्रदान करना, यानी मैंने अपनी सूचनाओं को किसी और व्यक्ति को प्रेषित कर दिया, संप्रेषण, जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता कौन होंगे, वही इच्छुक व्यक्ति जो इन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जिसके आधार पर वो निर्णय ले सकते हों, वो व्यक्ति होते हैं हमारे उपयोगकर्ता। और ऐसी सूचनाएं जो आर्थिक प्रकृति की है, वित्तीय प्रकृति की है, उनको पहचानना, मापना और संप्रेषण करना ही क्या है, लेखांकन। आगे चलें तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा लेखांकन के इतिहास के बारे में। लेखांकन का इतिहास बहुत ही पुराना इतिहास है, हम इसके बारे में जानते हैं ईसा के 4000 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जो जन्म हुआ उससे भी 4000 वर्ष पहले बेबीलोनिया और इजिप्ट, ये दो ऐसे शहर हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं मजदूरियम करों के भुगतान, वहाँ जो भी लेबर, जो भी मजदूर काम करते थे उनकी मजदूरी और साथ ही टैक्स करके भुगतान संबंधी लेन देन का लेखा मिट्टी की पट्टी पर किया जाता था। मिट्टी की पट्टियां बना ली जाती थी और उनपे लकड़ी की सहायता से या किसी नुकीली धातु की सहायता से क्या किया जाता था, लेन देनों को लिखा जाता था कि किस व्यक्ति को हमने कितनी मजदूरी दी है और किस व्यक्ति से हमें कितने कर का भुगतान प्राप्त करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यह स्टार मार लीजिए, बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता था। उस समय बेबीलोनिया एक ऐसी नगरी थी जहाँ सबसे ज़्यादा व्यापारिक क्रियाएं की जाती थी। 2300 शताब्दी पूर्व, हम 2300 शताब्दी पूर्व की बात करें, कौटिल्य चाणक्य, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा क्योंकि एक भारतीय व्यक्ति हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मंत्री थे। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य शासन काल के एक राजा थे, वहां पर ये मंत्री हुआ करते थे। अर्थशास्त्र नामक, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी, किसने लिखी, कौटिल्य चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मंत्री थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, यानी हम कह सकते हैं कि लेखांकन का इतिहास बहुत पुराना है, आधुनिक समय में इसका जन्म नहीं हुआ है। आगे हम बात करें तो आधुनिक जो लेखांकन है उसकी बात करें तो लुकास पेसियोली, एक व्यक्ति हैं, ये हैं इटली के, कहाँ के मेरे प्यारे बच्चों, इटली के, ये इटली के हैं, इटली के अर्थशास्त्री हैं ये लुकास पेसियोली, ने सन 1494 में प्रथम पुस्तक सुमा डे अल्थीमेट्रिका, ये पुस्तक का नाम है जो लेखन किया गया, जो पुस्तक पालन पर आधारित है, यानी एक ऐसी पुस्तक है जो पुस्तक पालन पर आधारित है, पुस्तक पालन की प्रथम पुस्तक है जो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। पुस्तक पालन और दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पुस्तक पालन पर आधारित प्रथम पुस्तक लुकास पेसियोली ने सन 1494 सुमा डे अरिथमेट्रिका का लेखन किया, जो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। यहाँ डीआर और सीआर दो शब्दों का प्रयोग किया, आधुनिक समय में जिन दो शब्दों का प्रयोग लेखांकन में किया जाता है वो दोनों शब्द क्या है, डीआर यानी नाम, सीआर यानी जमा, इन दोनों शब्दों का प्रयोग लेखांकन में सबसे पहले लुकास पेसियोली ने किया। डीआर, इसे डेबिट बोला जा सकता है, इटली शब्द डेबिटो से लिया गया है, यानी डेबिटो से क्या बना है, डेबिट, डीआर, और लैटिन भाषा में डेबिटम डेबियो, दो शब्द हैं लेटिन भाषा के, डेबिट एंड डेबियो से ये निकलता है। लेटिन भाषा से सबसे पहले इटली का शब्द निकला डेबिटो, और वहाँ से लुकास पेसियोली ने डेबिट यानी डीआर शब्द का जन्म किया। सीआर क्रेडिट,
ध्यान रहे, डेबिट यानी DR और क्रेडिट यानी CR शब्द इटली के क्रेडिटो से लिया गया है जो लैटिन शब्द क्रिएडा से निकला है, यानी लैटिन शब्द क्रिएडा से क्रेडिटो का जन्म हुआ और क्रेडिटो से लुकास पेसियोली ने क्रेडिट वर्ड का यूज किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा CR यानी इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रिकॉर्ड, और दूसरा वर्ड मैं आपके सामने ला रहा हूं DR जिसकी फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकॉर्ड। तो आप लोगों को ये दोनों शब्द CR और DR पता होना चाहिए, CR क्रेडिट रिकॉर्ड, DR डेबिट रिकॉर्ड, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो आधुनिक लेखांकन प्रणाली के स्तंभ हैं। तो लुकास पेसियोली ने सन 1494 में अपनी प्रथम पुस्तक सुमा डे अर्थमेट्रिका में इस लेखांकन प्रणाली का प्रयोग किया। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लेखांकन का परिचय था और लेखांकन का इतिहास था। अगला वीडियो पार्ट 2 जल्दी ही हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 11 में रसायन विज्ञान विषय में पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। यदि रसायन विज्ञान की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि सर, रसायन विज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है, किन चीजों के बारे में रसायन विज्ञान में पढ़ाया जाएगा। यदि हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि जो दूध होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित होता है। जब भी जो गंदे मेले कपड़े होते हैं वो साबुन से धोने पर या फिर अपमार्जक या डिटर्जेंट से धोने पर वो जो गंदे मेले कपड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। यानी कि जो उनके गंदगी वाले जो कण होते हैं वो वहां से हट जाते हैं और हमें यहाँ पे स्वच्छ वस्त्र प्राप्त होते हैं। अच्छा जी, और भी आपने चीजें देखी होगी कि बरसात का टाइम होता है यानी कि जब मानसून आता है तब जो लोहे वाली जो चीजें होती है जो छत पर रखी हुई रहती है, जो फिर खुले वातावरण में रखी हुई रहती है, उन पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, उन पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक अलग से एक परत जम जाती है और लोहा जो होता है वो क्या हो जाता है, वहां पे बेकार होने लग जाता है। ये सब क्यों हो रहा है, इन सब में कौन सी अभिक्रियाएं हो रही है, ऐसी कौन सी रिएक्शंस हो रही है, इन सब में होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, और इन सभी का अध्ययन हम किस में करने वाले हैं, रसायन विज्ञान में करने वाले हैं। यदि रसायन विज्ञान की बात करें तो सबसे पहला सबसे मूलभूत जो इकाई रहेगी वो हमारी रहेगी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, यदि हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में जानिए, ऐसी कोई सी भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ ना कुछ आयतन घेरती हो क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। मान लीजिए आपके सामने ये मार्कर रखा हुआ है, आप इस मार्कर को इस हाथ में रखेंगे तो आपको पता है कि सर इस मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और यहां पे बेशक यह कुछ ना कुछ आयतन भी यहां पे घेरेगा। कोई सा भी पेन ले लीजिए, कुछ भी वस्तु ले लीजिए, आपके हाथ में मान लीजिए डस्टर यदि रखा हुआ है तो उस डस्टर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और उसने कुछ ना कुछ स्थान वहां पे घेरा होगा। यानी कि आज के बाद हम ये जान सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, कि ऐसी वस्तु जो कुछ ना कुछ द्रव्यमान, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ ना कुछ आयतन घेरती है क्या कहलाती है भाई मेरे, पदार्थ कहलाती है। तो वह हर वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाएगी और उसका आयतन भी, यानी कुछ आयतन भी वो वहां पे घेरेगी। अच्छा जी, अब यदि बात आती है पदार्थों की तो देखिए सबसे पहली चीज है हमारे पास में मार्कर, ठीक है जी। अब मार्कर को यदि मैं यहां से उठा करके इस हाथ में रख देता हूं तब इसका द्रव्यमान क्या यहां पे चेंज हो गया क्या, मान लीजिए मेरे इस हाथ में इस मार्कर का द्रव्यमान 20 ग्राम था, अब जैसे ही मैंने दूसरे हाथ में लिया तब क्या इसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 20 ग्राम है तो मार्कर 20 ग्राम का ही रहेगा। अच्छा जी, जब ये मार्कर इस वाले हाथ में था तब इसने जितना स्थान घेरा हुआ था इसमें भी क्या उतना ही स्थान घेर रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, स्थान उतना ही घेर रहा है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं अब कि मेरे पास में मान लीजिए कोई पानी का ग्लास है, ठीक है जी, यानी कि एक ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, अब उस ग्लास में यदि पानी भरा हुआ है, अब उस ग्लास को यदि मैं नीचे कहीं पर उसको पानी को उड़ेल देता हूँ, पानी को नीचे वहाँ पर ढोल देता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि सर उसका द्रव्यमान जो है वो तो क्या है यहाँ पे वही है, यानी कि पानी तो उतना ही है लेकिन पानी का जो आकार है ना, पानी ने पहले ग्लास का आकार लिया हुआ था, अब पानी ने वहाँ पे जिस जगह हमने डाला है, मान लीजिए बड़े टब में डाल दिया, बड़ी बाल्टी में डाल दिया, टंकी में डाल दिया,
तो अब वो क्या करेगा वहां पे, उसका आकार ले लेगा। इसका मतलब हो गया कि विभिन्न विभिन्न पदार्थों के लिए प्रकृति थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण पदार्थों का किया गया है। भौतिक वर्गीकरण में आपको पता है कि भौतिक वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। बचपन की कक्षाओं में आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। तो यदि पदार्थों की हम बात करें तो दो वर्गीकरण है, पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रहेगा भाई मेरे रासायनिक वर्गीकरण। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक वर्गीकरण के बारे में। तो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी थी, तो आप बोलेंगे ठोस, दूसरी कौन सी रहेगी द्रव, तीसरी कौन सी रहेगी गैस। अच्छा जी, ठोस की यदि हम बात करते हैं, अच्छा जी ठोस की यदि हम बात करें तो ठोस में, द्रव में या गैस में, सब में क्या उपस्थित होते हैं, तो आप बोलेंगे सर इनमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, कुछ अणु, कुछ परमाणु यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन यहाँ पे जो तीनों अवस्थाएं होती है वहां पे अणु परमाणु की जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। यदि मैं बात करता हूं ठोस की, तो ठोस में जो इसके अणु रहते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल आसपास चिपके हुए रहते हैं। यानी कि ये एक अंतर आणविक बल के द्वारा ये क्या रहेंगे, एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से चिपके हुए रहेंगे। यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलब इनके बीच में वहां पे आकर्षण होगा, गैप वहां पर नहीं होगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं द्रव की, तो द्रव में क्या होगा कि यहां पर अणुओं के बीच में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। और गैप आ गया इसका मतलब ये हो गया कि अणु क्या होंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे। आकर्षण बल तो अभी भी है, लेकिन जब ठोस की बात की गई थी तब वहां पे अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा था। लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो अंतराणविक आकर्षण बल उससे थोड़ा सा कम है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आगे गैस की, तो गैस में क्या होता है, जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है यानी कि अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा दुर्बल होता है। ठीक है जी, यानी कि इसमें गैस में जो अणु रहेंगे वो क्या होंगे भाई, वो पूरी तरह फैले हुए रहेंगे, यानी कि यहाँ पे चिपके हुए नहीं रहेंगे। सबसे ज्यादा अंतराणविक आकर्षण बल किसमें, ठोस में, उससे कम किसमें, द्रव में, उससे कम किसमें, गैस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने डिवाइड किया है यहाँ पे किसके आधार पे दिया है, यहाँ पे अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पे हमने यहाँ पे इनको तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अच्छा जी, अगले हम बात करते हैं आयतन की। किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की। अच्छा जी, यदि हम ठोस की बात करते हैं तो मान लीजिए ये कोई मार्कर आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है जी, ये मार्कर ठोस है, मैंने क्या बोला, ये मार्कर ठोस है। लेकिन आप बोलोगे सर ठोस है, हम कैसे मान ले ठोस है। ठोस की कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले ठोस के आयतन की, किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, ठोस के आयतन की। अच्छा, इस हाथ में मैंने ये मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर ने जितना स्थान यहां पे घेरा हुआ है, अब इस मार्कर को मैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर के रख दूं, मैं चाहे इसे कहीं पर भी जाकर रख दूं, टेबल पे रख दूं, जमीन पे रख दूं, या फिर कहीं पर भी जाकर के रख देता हूं, ये क्या उतना ही आयतन घेरने वाला है क्या। अब ऐसा तो नहीं है कि ये मार्कर मेरे हाथ में है तो इसने ये आयतन घेरा हुआ है, ठीक है, और इस मार्कर को यदि मैं आपके हाथ में दे दूंगा तो ये मार्कर बिल्कुल ऐसे फैल जाएगा, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि इसके अणुओं के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही प्रबल है। इस वजह से जो इसके अणु रहेंगे ना वो एक्चुअली गतिशील नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे, एक ही स्थान पे कंपन करते हुए रहेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपके हाथ में जाने के बाद फैलेगा नहीं। जिस तरह से आपने देखा होगा पानी तो फैल जाता है, ठीक है, और गैस तो पूरी फैली हुई रहती है। लेकिन ठोस की जब बात आती है तो ठोस में क्या होगा भाई मेरे, ठोस में जो आयतन रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे निश्चित रहेगा। इस मार्कर को मैं अपने हाथ में रखूं, आपके हाथ में रखूं, या किसी दूसरे के हाथ में रखूं, जमीन पर रखूं, टेबल पर रखूं, हमेशा इसका जो आयतन रहेगा यानी कि जितना स्थान ये घेरेगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो आयतन रहेगा भाई वो क्या रहने वाला है, निश्चित रहने वाला है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं आयतन की किसमें, द्रव में। अच्छा जी, मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है। फिर से अब उस ग्लास में जो पानी भरा हुआ है, अब उसको यदि मैं उस ग्लास में जो पानी भरा हुआ है उसको यदि मैं नीचे ढोल देता हूं जमीन पर, तो वहां पर मुझे बताइए कि मान लीजिए 200 ml पानी है। कितना है, 200 ml पानी है। अब यदि मैं उसको जमीन पर ढोल देता हूं तो आप मुझे बताओ क्या वो 200 का 400 हो जाएगा क्या, क्या वो 200 का 400 ml हो जाएगा क्या। जवाब आना चाहिए आपकी तरफ से, बिल्कुल नहीं होगा सर।
200 यदि ग्लास में है तो उसको कहीं पर भी जाकर के रख दो, वो 200 ml ही रहने वाला है, 200 का 400 नहीं होगा और 200 का 100 भी वो नहीं होगा। यानी कि जितना उसका आयतन पहले था उतना ही आयतन क्या रहना चाहिए, बाद में भी रहना चाहिए। यानी कि बात यहां से समझ में यह आ रही है कि सर आयतन तो इसका भी क्या होगा, निश्चित ही होगा। यानी कि द्रव के आयतन की बात करें तो द्रव का आयतन भी क्या रहने वाला है बेटा, द्रव का आयतन भी निश्चित रहने वाला है। लेकिन यदि इन सबके विपरीत हम बात करते हैं गैसेस में, यदि हम बात करते हैं गैस में, तो गैस में ये अनिश्चित क्यों हो जाता है, इस बात को समझना। इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये निश्चित है ये अनिश्चित क्यों है। बहुत सारे बच्चे इनको रट्टाफिकेशन से पूरी की पूरी टेबल को रट लेंगे लेकिन वहां पे वो उससे समझ नहीं पाते हैं कि आकार आयतन ये सब निश्चित क्यों हो रहे हैं, अनिश्चित क्यों हो रहे हैं। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, आयतन क्या है भाई मेरे, अनिश्चित है। अच्छा जी, मान लीजिए एक कोई छोटा सा बॉक्स है, उस छोटे से बॉक्स में यदि मैं देखता हूं, उस छोटे से बॉक्स में यदि मैं अगरबत्ती का धुआं वहां पे उसमें पैक कर देता हूं, किसी छोटे से बॉक्स में यदि मैं अगरबत्ती का धुआं पैक कर देता हूं, तब उसका आयतन कितना था, जितना उस बॉक्स का आयतन है उतना ही क्या रहेगा, गैस का आयतन रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं उस डिब्बी को खोल दूंगा, जैसे ही उस बॉक्स को मैं खोल देता हूं, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा धुआं वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगा, पूरे के पूरे रूम में फैल गया। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे आयतन का प्रसार हो गया, आयतन का प्रसार हो गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि आयतन तो निश्चित होने वाला नहीं है, आयतन क्या आ गया यहाँ पे, अनिश्चित हो गया। और एक और बात आपको जानने को मिलेगी कि सर जब हमने इसको पहले डिब्बे में रखा हुआ था, बॉक्स में रखा हुआ था, तब उसने बॉक्स का आकार लिया हुआ था, जब इसको मैंने डिब्बे में रखा हुआ था तब इसने बॉक्स का आकार लिया हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको डिब्बे से निकाला, बॉक्स से निकाला, तो इसने अब कमरे का आकार ले लिया। तो दो बातें यहां से समझ में आ गई कि सर आयतन तो अनिश्चित होगा ही होगा, साथ में इसका जो आकार रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो गैसों के बारे में दो बातें जानने को मिली है, आयतन की बात करें या आकार की बात करें, दोनों क्या होंगे यहाँ पे, परिवर्तित होते रहते हैं, अनिश्चित हैं, डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे गैस किस में भरी हुई है। अच्छा जी, अब आकार की बात हम करना चाहते हैं ठोस के लिए, द्रव के लिए, आकार की बात करना चाहते हैं ठोस के लिए और द्रव के लिए। अच्छा जी, ठोस के बारे में तो आपको पता ही होगा क्या होने वाला है, निश्चित होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कोई डस्टर है मेरे पास में, उसका जो शेप होता है वो क्या होता है भाई मेरे, घनाभ होता है। अच्छा, अब उस डस्टर को मैं कहीं पर भी रख दूं, वो घनाभ ही रहने वाला है, वो चेंज थोड़ी ना होगा। यानी कि उसका जो आकार रहेगा वो क्या होने वाला है, निश्चित होने वाला है, उसकी जो शेप होगी वो निश्चित होने वाली है। लेकिन यदि हम देखते हैं ग्लास, वापस से ग्लास लो, पानी फिर से भरो, ठीक है, अब जो ग्लास है उसने किसका शेप लिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर जो पानी है उसने किसका शेप लिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर पानी ने शायद यहाँ पे ग्लास का शेप लिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसी पानी को मैं, जो ग्लास में पानी भरा हुआ है उसी पानी को यदि मैं टंकी में डाल देता हूँ या फिर अपने पेट में डाल लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, टंकी का आकार ले लेगा, पेट का आकार ले लेगा, या फिर कोई बड़े बर्तन में रख देता हूँ तो वो उसका आकार ले लेगा। यानी कि जो द्रव होता है उसका आकार भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। किसकी भांति, गैस की भांति। गैस में भी क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, इसमें भी आकार क्या हो जाएगा भाई मेरे, अनिश्चित हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ठोसों में आयतन आकार दोनों निश्चित होते हैं, द्रव में आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। लेकिन यदि बात आती है गैस की, तो वहां पे आयतन हो आकार हो अनिश्चित ही होगा। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो ठोस में आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मार्कर ले लिया, सोना ले लिया, लोहा ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है जी। और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे द्रव का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पता है, द्रव का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, पानी, ठीक है जी, तो पानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे गैस की, तो गैस को बताइए आपको, H2 गैस हो गई, O2 हो गई, पानी। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा सर पानी तो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल है, लेकिन जो यहाँ पे पानी है वो कौन सा वाला है, तो आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे वाष्पित है। क्या है, ये वाष्प है। यानी कि जो यहाँ पे पानी भरा हुआ है वो कौन सा वाला है भाई मेरे, वाष्प वाला पानी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लिख लीजिए यहाँ पे वाष्प, जो वेपर बनती है वो वाला यहाँ पे पानी है, पानी को गर्म करने के बाद में उड़ने लग जाता है ना, वही वाला पानी यहाँ पर है, ठीक है जी। तो
पानी से भी आप समझ सकते हैं कि सर इसके ठोस अवस्था क्या रहेगी, बर्फ रहेगी। अच्छा, पिघलने के बाद में क्या बन गया, द्रव बन गया, और उसको और ज्यादा गर्म कर देंगे यानी कि और ज्यादा पिघला देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वहां पे वाष्प में यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब था किसके बारे में, भौतिक वर्गीकरण क्या होता है पदार्थों का। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में ठोस अवस्था, परिचय और बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। कक्षा 11 में आपने पहले चैप्टर में रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में पढ़ा था कि पदार्थ तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है जी, यानी कि जो ठोस होगा उसके बारे में आज यहाँ पे हम पूरी जानकारी लेंगे। ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस पदार्थ क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, एक बहुत ही अंतर आणविक बल से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि उनके कणों के मध्य जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम रहेगा, और वो क्या करेंगे, अपने ही स्थान पे क्या करेंगे, कंपन करेंगे, वो गतिशील नहीं होंगे। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतर आणविक बल से जुड़े हुए रहते हैं। अब ठोस में क्या होता है कि इसके जो कण, अणु या आयन है वो क्या होंगे, एक अंतरणविक बल से जुड़े रहेंगे, यानी कि एक ऐसे बल से जुड़े रहेंगे जिससे वो गतिशील नहीं हो पाते। ठीक है जी, यानी कि वो जो बल रहेगा उसका क्या नाम रहेगा, अंतरणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है जी, अब यदि मैं बात करता हूं कि यदि ये जो कण है वो गति करने लग जाए, यानी कि जो अंतरणविक बल है वो कमजोर पड़ जाए, तो वहां पे ठोस क्या, ठोस रहेगा क्या, नहीं, वो द्रव में बदल जाएगा। और यदि गैप ज्यादा ही हो जाता है, वो ज्यादा ही बहने लग जाते हैं, तो वो क्या होगा, वहां पे गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कितनी बात आती है समझ में। तो ऐसा बोला जा सकता है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर कोई सा भी आयन हो सकता है, प्रबल आणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटतम संकुलित होते हैं। निकटतम संकुलित होने का मतलब क्या है कि जो कण रहेंगे ना वो क्या होंगे मेरे भाई, यहाँ पे पास पास रहेंगे। ठीक है जी, यानी कि अंतरणविक आकर्षण बल के कारण ये पास पास में रहेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ठोस अवस्था कहा जाता है। ठीक है जी, अब यदि बात करें यहाँ पे तो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कण रहेंगे ना वो क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अपने ही स्थान पे वाइब्रेट होते रहेंगे, यानी कि ये अपने ही स्थान पे कंपन करते रहेंगे, ये गतिशील नहीं होंगे। क्या इतनी बात आती है समझ में। अब बात करते हैं ठोस पदार्थ की। ठोस पदार्थ के बारे में यदि जाना जाए तो ठोस पदार्थ क्या है कि ठोस पदार्थ की एक आकृति होगी और आयतन जो होगा वो दोनों क्या होंगे, इसके निश्चित होंगे, यानी कि निश्चित आकृति होनी चाहिए, निश्चित आयतन होना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि शेप और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, निश्चित होता है वो क्या होंगे, यहाँ पे ठोस पदार्थ कहलाएंगे। अच्छा जी, अब सर ठोस पदार्थों को भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि हम देखें तो ठोस पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से है, एक तो होते हैं क्रिस्टलीय और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय। ठीक है जी, यानी कि एक तो क्रिस्टलीय होंगे और दूसरे क्या होंगे, यहाँ पे अक्रिस्टलीय। अच्छा जी, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक यहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको कि सर पहले Na आया है, फिर Cl आया है, फिर Na आया है, फिर Cl आया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे Cl Na Cl Na, यानी कि ये क्या हो रहे हैं, एक जो इसके आयन हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई मेरे, वो एक पैटर्न बना रहे हैं, एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, यानी कि एक व्यवस्था में वो बैठे हुए हैं। यानी कि जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु हो सकता है, वो क्या करेंगे यहाँ पे, एक व्यवस्था में बैठे रहेंगे, एक नियम बनाते हुए, एक कायदा या एक कानून बनाते हुए वो एक व्यवस्था में बैठे रहेंगे। लेकिन यदि मैं इसके विपरीत बात करता हूँ अक्रिस्टलीय की, तो उसमें क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें जो कण रहेंगे ना वो क्या होंगे, ऐसे ही कहीं भी पड़े रहेंगे। ठीक है जी, यानी कहीं पर भी उसके जो अवयवी कण रहेंगे वो फैले हुए रहेंगे, यानी कि वो एक नियम को, एक कानून को वहां पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब ये किसी नियम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका अरेंजमेंट भी नहीं होगा, यानी कि जो इनकी व्यवस्था है उनका कोई क्रम नहीं रहेगा, यानी कि ये अव्यवस्थित रहेंगे। तो पहली बात मुझे समझ में आ गई कि सर जो क्रिस्टलीय जो रहेंगे, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस रहेंगे वो क्या होंगे, एक व्यवस्था में रहेंगे उनके कण। और यदि मैं बात करता हूँ अक्रिस्टलीय की,
तो वो क्या होंगे वहां पे, उनके जो कण रहेंगे अवयवी कण वो एक अव्यवस्था में बैठे रहेंगे, यानी कि उनके अंदर व्यवस्था नहीं होगी बैठने की। कितनी बात आती है समझ में? अब यदि मैं इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, ठीक है, इनके बीच में अंतर पता करना चाहूँ, तो आपके सामने एक सारणी दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि हम सबसे पहले जो अंतर करेंगे ना, वो करेंगे इसकी ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति, ज्यामिति बोले तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो होगा वो किससे रिलेट होगा? तो आप बोलेंगे सर ज्योमेट्री शायद शेप से रिलेट हो, यानी कि उसकी आकृति से। तो ऐसा बोला जा सकता है कि सर क्रिस्टलीय पदार्थों की ज्यामिति जो रहती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी जो ज्यामिति है ना पूरी की पूरी, वो एक निश्चित है, यानी कि पैटर्न जो रहेगा ना वो भी निश्चित है, यानी कि इसके कण जो रहेंगे ना वो भी क्या है, एक निश्चित पैटर्न में बंधे हुए हैं। इसे ही बोला जाता है क्या, निश्चित। और यहाँ पे जो अक्रिस्टलीय ठोस रहेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे अनिश्चित आकृति में रहेंगे, यानी कि उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, वहां पे निश्चित नहीं होगी, ज्यामिति वहां पे इनकी निश्चित नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने देखा NaCl जो रहेगा वो किसका एग्जांपल रहेगा, क्रिस्टलीय का। यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे किसकी, अक्रिस्टलीय ठोस की, ठीक है जी। तो अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कांच को देख लीजिए, ट्यूब टायर हुआ है उनको देख लीजिए, उनमें कोई भी व्यवस्था नहीं होती उनके अवयवी कणों की, यानी परमाणुओं की, ठीक है जी। चलो भाई, अब अगले हम बात करते हैं यहाँ पे आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना बात वापस वही वाली बात आ गई, सर कणों की एक निश्चित क्रम में व्यवस्था होती है, और यहाँ पे कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, यानी कि वो अनिश्चित होता है, कहीं पर भी बैठ जाएंगे, कोई रूल कोई कायदा यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। अच्छा जी, अगले हम बात करें यहाँ पे गलनांक की। अच्छा जी, गलनांक की बात यदि हम करते हैं तो जो क्रिस्टलीय होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसका मतलब ये है कि सर गलनांक निश्चित होता है, इसका मतलब ये हो गया कि सर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि एक विशिष्ट ताप पर ही ये क्या होंगे, पिघलेंगे, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और जबकि मैं बात करता हूँ यहाँ पे अक्रिस्टलीय की, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके गलनांक निश्चित नहीं होंगे, उनके गलनांक स्पेसिफिक नहीं होंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जो पानी है वो 0 डिग्री पर किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री पर बदल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर 0 डिग्री एक विशिष्ट तापमान हो गया जिस पे पानी क्या हो रहा है, यहाँ पे बर्फ में बदल रहा है। तो जो ये निश्चित तापमान हो गया ना, तो हमने यहाँ पे बात किसकी कर दी कि यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका जो तापमान रहता है वो क्या होगा, यहाँ पे निश्चित होगा, गलनांक क्वथनांक क्या होगा उनका, निश्चित होगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ कि कहीं पर टायर जल रहा है, क्या बोला मैंने, कहीं पर टायर जल रहा है, जो ट्यूब टायर वाले टायर होते हैं वो यदि जल रहे हैं, तो उनकी क्या होगी, एक रेंज होगी, एक परास होगी। तो आप देखते हैं कि टायर को यदि हम जलाते हैं तो उसको जलाने पर कुछ हिस्सा तो पिघल जाता है, कुछ पिघल रहा होता है, और कुछ हिस्सा उसका क्या होता है, ठोस होता है। आई बात समझ में? तो उसका क्या हो गया, वहां पे एक रेंज हो गई, कहाँ यार, मान लीजिए इतने से इतने डिग्री, 130 से 150 डिग्री की एक रेंज हो गई, एक परास हो गई, वहां पर ये पिघलना स्टार्ट होंगे। यानी कि यदि बात की जाए तो जो अक्रिस्टलीय रहेंगे इनकी तापमान का क्या रहेगा भाई मेरे, एक परास रहेगा, यानी कि इनका जो तापमान रहेगा वो विशिष्ट तापमान नहीं रहेगा, निश्चित तापमान नहीं रहेगा, पक्की बात है। अच्छा जी, अब अगली मैं बात करता हूँ यहाँ पे शीतलन वक्र की। शीतलन वक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि शीतलन वक्र को बनाने का तरीका कुछ और रहता है। आप देखिए, यदि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ किसका, क्रिस्टलीय का। यदि मैं क्रिस्टलीय की बात करता हूँ तो देखना आप यहाँ पे, मैंने क्या लिया है, आपने वाष्प को तो आपने जाना ही होगा कि वाष्प क्या होती है। तो आप बोलेंगे सर जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो क्या बदल जाती है, वाष्प बदल जाती है। अच्छा जी, वाष्प में पानी कब बदलेगा, तो आप बोलेंगे सर 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर कर दो, क्योंकि 100 डिग्री पे क्या होगा, यहाँ पे ये पिघलने लग जाएगा। अब मान लीजिए 130 डिग्री पर है, मान लीजिए 130 डिग्री पर कोई वाष्प है और यहाँ पे वो पॉइंट है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाष्प को मैं धीरे धीरे ठंडा कर रहा हूं, तो ठंडा करने से क्या तात्पर्य है, ठंडा करने से तात्पर्य यह है कि मैं अब टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। जैसे ही मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूं तो टेम्परेचर को कम इस तरह से करूंगा, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए टेम्परेचर यहां से कितना है 120, और फिर यहां पे आते आते टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बात यहां पे ये आएगी कि सर 100 डिग्री पे क्या होगा, जो वाष्प होगी ना वो क्या होगी, अब यहाँ पे पानी में बदलने लग जाएगी, यानी कि जो गैस है अब किस में बदलने लग गई, यहाँ पे द्रव में बदलने लग गई। अब क्या होगा, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन स्टार्ट होगा, क्या होगा यहाँ पे, अवस्था परिवर्तन। अब देखना अवस्था परिवर्तन कैसे चलेगा, ऐसे सीधा,
अवस्था परिवर्तन कैसे चलेगा? सीधा चलेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना भी कम कर दूं, जो मेरे पास में यहाँ वाष्प है ना, उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक की पूरी वाष्प द्रव में ना बदल जाए, तब तक इसका टेम्परेचर यहाँ पर कम नहीं होगा। यानी कि एक बात बोली जा सकती है कि सर ये वाली स्थिति कौन सी थी? ये वाली स्थिति थी भाई मेरे अवस्था परिवर्तन की। कौन सी स्थिति थी ये वाली? अवस्था परिवर्तन की। लिख देता हूँ यहाँ पे, अवस्था परिवर्तन की ये स्थिति थी। अब इस स्थिति में क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे ही मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ ना, तो उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। क्यों? जब तक कि पूरा का पूरा जो गैस है, पूरी की पूरी जो वाष्प है, पानी में नहीं बदल जाती, द्रव में नहीं बदल जाती, तब तक उसका टेम्परेचर अब कम नहीं होगा। यानी कि अवस्था परिवर्तन पे जो टेम्परेचर रहता है वही मेरे क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। तो इसको यदि मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, तो ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला जो, ये वाली जो स्लाइड है, ठीक है, यानी कि जो वाली रेखा है, ये क्या यहाँ पे दर्शा रही है? कि यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब अवस्था परिवर्तन हो गया, अब क्या होगा? अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर को और कम करूंगा। चलो भाई टेम्परेचर को कम करते हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर को कम किया, कितना किया? 90 किया, 80 किया, ऐसे करता जा रहा हूँ 50 तक, और ऐसे करते करते मैं कहाँ पे आ गया भाई मेरे? 0 डिग्री पे आ गया। कहाँ पे आ गया? 0 डिग्री पे आ गया। अच्छा जी, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे? अब बदलने लग जाएगा। अब द्रव किस में बदल रहा है भाई मेरे? गैस, द्रव जो है, सॉरी, अभी तो द्रव को मैं क्या कर रहा हूँ? ठंडा कर रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे बात आई है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब 0 डिग्री पे आपको पता है कि सर 0 डिग्री पे तो क्या होता है कि जो द्रव होता है वो किस में बदल जाता है? यहाँ पे ठोस में बदलने लग जाता है, यानी कि पानी जो होता है वो बर्फ बन जाता है। तो अब जो ये द्रव है ना, वो किस में बदलेगा? यहाँ पे पानी में बदलेगा। अब मैं इसका टेम्परेचर कितना भी कम कर दूं, लेकिन जो मेरे पास में यहाँ पे जो मैटर है, उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, जब तक कि उसकी स्टेट चेंज ना हो जाए, जब तक कि उसमें अवस्था परिवर्तन ना हो जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे आकर के यहाँ पे जो पूरा का पूरा द्रव है वो ठोस में बदल गया। अब मैं टेम्परेचर कम कर सकता हूँ, अब वापस से वही वक्र स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, कहानी का सार ये आ गया यहाँ पे कि सर बात यदि की जाए तो कहानी का सार ये है कि सर जब अवस्था परिवर्तन होगा ना, अवस्था परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तब जो टेम्परेचर रहेगा, यानी कि जो टेम्परेचर रहेगा वह क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। यानी कि अवस्था परिवर्तन के समय तापमान नियत रहता है, और अदरवाइज वो वहाँ पे चेंज होता रहता है। और यदि इसी प्रोसेस को मैं उल्टा कर देता हूँ, इसी प्रक्रिया को यदि मैं उल्टा करता हूँ, तब भी ये वहाँ पे वैसा ही रहेगा। यानी कि जब भी अवस्था परिवर्तन होगी, तब तापमान जो रहेगा उसका, वो क्या होगा भाई मेरे? नियत रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? ये तो किसकी बात की मैंने यहाँ पे? क्रिस्टल की, क्रिस्टलीय की, क्रिस्टलीय ठोस की मैंने बात की है। अब यदि मैं बात करता हूँ अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? जो उसका ग्राफ आएगा ना, बिल्कुल ऐसा आएगा। उसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा यहाँ पे? इस तरह का ग्राफ आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो वक्र है, ये वाला, ये तो क्या है यहाँ पे? एक असत, ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सतत हो रहा है। सतत बोले तो आप बोलेंगे सर कंटिन्यूअस, सतत बोले तो कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि मैं इस वाले ग्राफ को देखता हूं, तो ये वाला जो ग्राफ है ना, वो क्या है यहाँ पे? सतत नहीं है। यानी कि ये वाला ग्राफ कौन सा है भाई मेरे? असतत ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये? असतत ग्राफ है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक बात बोली जाती है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनका जो शीतलन वक्र होता है, उनका जो शीतलन वक्र होता है वो क्या होता है भाई मेरे? असतत होता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ उसके विपरीत किसकी? अक्रिस्टलीय की, तो वहां पे जो उनका शीतलन वक्र होता है वो क्या होता है? वहां पे सतत होता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टायर का एग्जांपल दिया था, वहां पे क्या बताया था मैंने आपको कि टायर को यदि आप जलाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा पिघल जाता है, कुछ हिस्सा पिघल रहा होता है, और कुछ हिस्सा उसका ठोस रहता है। तो वह कौन सा ठोस हो जाएगा वहां पे? अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ठीक है, उसका जो शीतलन वक्र मिलेगा वो क्या मिलेगा वहां पे? बिल्कुल सतत मिलेगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस मिलेगा। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्रिस्टलीय की, तो वो क्या होगा यहाँ पे? असतत मिलेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब मैंने यहाँ पे वाष्प को बर्फ में बदला है, तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दिया है कि जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, तब भाई मेरे टेम्परेचर क्या होता है इसका? कॉन्स्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होगा इसका? कॉन्स्टेंट होगा। चलो जी, इतनी बात क्लियर है, पक्की बात है। यानी कि शीतलन वक्र का अब आपके सामने यदि क्वेश्चन आ जाता है कभी भी कि शीतलन वक्र को समझाइए, तो आप उसको अच्छे तरीके से
पूरे के पूरे डायग्राम यहाँ पे करके समझा सकते हो, और उसकी थ्योरी भी आप लिख सकते हो जैसा मैंने बताया है। ठीक है, चलो भाई अब अगली बात करते हैं। अगली बात आती है विदलन गुण की। अब विदलन गुण क्या होता है? विदलन गुण की यदि हम बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे कि तेज धार वाले हथियार से काटने पर एक चिकनी सपाट सतह प्राप्त होती है। अच्छा, पनीर तो सभी ने खाया ही होगा। अब यदि मैं पनीर को काटता हूँ, अब यदि मैं पनीर को चाकू से काटता हूँ, तो आपको दिखाई देता है कि सर अब जो यहाँ पे दोनों तरह की सतह आई है ना, वो क्या है, बिल्कुल चिकनी है, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल सपाट सतह है, यानी खुरदरी नहीं है। तो वो वाले जो ठोस हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय कहलाते हैं। यानी कि बात यही है, विदलन गुण का मतलब होता है कि तेज धार वाले हथियार से काटने पर ये नियमित रूप से कटते हैं, यानी कि एक बिल्कुल स्मूथ वहां पे क्या देंगे, एक सरफेस देंगे। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे अक्रिस्टलीय की, तो ये नियमित नहीं कटते हैं, यानी कि यहाँ पे खुरदरी सतह मुझे प्राप्त होगी, एक स्मूथ, एक चिकनी, एक सपाट सतह यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। क्या पक्की बात है? चलो जी, अगले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? देशिकता की। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? देशिकता की। अच्छा जी, देशिकता में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों अलग अलग है। कैसे? अब देखना, यदि मैं बात करता हूँ आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम इस तरह से दिखा आपको दिख रहा होगा। चलो जी, अब इस डायग्राम में मैं देखता हूँ कि सर ये क्या है, यहाँ पे क्रिस्टलीय की बात हो रही है। ठीक है, क्रिस्टलीय की बात लिए बात कर रहा हूँ मैं। अब यदि इस डायग्राम में मैं देखता हूँ ना, तो सर यदि मैं यहाँ पे NaCl यहाँ पे देखता हूँ, तो NaCl, यानी किसका मतलब सर ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्रिस्टलीय है। अच्छा जी, अब आप एक काम करो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, मैं यदि यहाँ पे खड़ा होता हूँ इस वाली जगह पे, मैंने कहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ, यदि मैं यहाँ से देखता हूँ तो मैं ऐसे देखूंगा सीधा। अरे हाँ कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है आपको? यदि मैं यहाँ से देखता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यदि मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा भाई ऐसा, यानी कि ऐसे देखने पर इस तरह से देखूंगा। ठीक है, तो आपको क्या नजर आएगा कि सर यदि मैं ऐसे सीधा देखता हूँ ना, तो एक तरफ मुझे Na दिख रहा है, एक तरफ Cl दिख रहा है, एक तरफ Na दिख रहा है, एक तरफ Cl, एक तरफ Na, एक तरफ Cl, यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि NaCl का एक पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब आप एक काम करो, अब आप आ जाओ आप कहाँ पे, इस वाली जगह पे। यदि आप यहाँ पे खड़े होते हो, क्या बोला मैंने, आप यदि यहाँ पे खड़े होते हो, आप यदि ऐसे देखते हो सीधा, ठीक है जी, आपने कैसे देखा, यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे यदि आप इसको देख रहे हो ना, तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखना इस लाइन के इधर तो आपको सिर्फ Na ही Na नजर आ रहे हैं, और इस लाइन के उधर आपको Cl ही Cl नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप इस जगह पे खड़े हुए थे, तब आपको NaCl NaCl का पैटर्न नजर आ रहा था, लेकिन इस वाली दिशा से देखने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, Na एक तरफ आ रहे हैं और Cl एक तरफ आ रहे हैं। तो बात सर थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। कैसे? कि सर जो दिशाएं हैं ना, यानी कि अलग अलग दिशाओं पर देखने पर जो क्रिस्टलीय होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग गुण दिखाई देते हैं, अलग अलग भौतिक गुण दिखाई देते हैं। यानी कि क्रिस्टलीय जो होंगे ना, उनके भौतिक गुण जो होंगे ना, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपवर्तनांक ले लीजिए, ठीक है, क्लास 10वीं में आपने पढ़ा होगा अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जो होता है कोण के ऊपर निर्भर करता है। अब कोण के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो कोण के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ से कोण अलग है, यहाँ से कोण अलग है, तो इसका मतलब क्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, कोण अलग अलग है, दिशा पर निर्भर कर रहा है कि दिशा कौन सी है, तो वहां पे कोण अलग हो जाएगा, और इसलिए उसका अपवर्तनांक भी अलग हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक किस पे डिपेंड करता है, कोण पर निर्भर करता है, एंगल पर निर्भर करता है। क्या पक्की बात है? इसका मतलब ये आ गया कि सर क्रिस्टलीय ठोस अलग अलग दिशाओं में देखने पर अलग अलग नजर आते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं भाई मेरे, विषमदेशिक होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करता हूं इसके विपरीत किसकी, अक्रिस्टलीय की, तो अक्रिस्टलीय में आपको पता है, मान लीजिए ये सब यहाँ पे अक्रिस्टलीय के पार्टिकल्स हैं। अब मैं इनको किसी भी दिशा से देख लूं, मैं इधर से देख लूं तो मुझे पूरी भीड़ ही भीड़ नजर आने वाली है, और भीड़ का कोई शेप नहीं होता, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये बोला जा सकता है हर तरफ भीड़ है, इसलिए ये क्या होते हैं, हर तरफ से मुझे समान ही नजर आ रहे हैं, भीड़ की कोई शक्ल नहीं है, ये हर तरफ से मुझे समान नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको क्या बोल दिया भाई मेरे, समदेशिक बोल दिया। क्या बोला मैंने इनको, समदेशिक। अब यदि बात की जाए तो उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, यदि क्रिस्टलीय की बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट, कैल्साइट, लवण, और यदि इसकी बात की जाए अक्रिस्टलीय की, तो कांच, प्लास्टिक, सिलिका, टायर, जितने भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल वो होते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब यदि बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि विषमदेशिकता क्या होती है, तो यही मैंने आपको बताया था, वे पदार्थ जिनके कुछ भौतिक गुण जैसे उष्मा चालकता, अपवर्तनांक,
आदि के मान अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न हों। अब अलग अलग दिशाओं में भिन्न क्यों होते हैं, तो आपको बताया अपवर्तनांक कोण पे निर्भर कर रहा है, और आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसमें आप देखते हैं कि यहाँ से देखने पे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि पहले काला, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है पिंक वाला, फिर काला, सॉरी वाइट, पिंक वाइट, पिंक वाइट, पिंक, इस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन आप इधर से देख रहे हो तो इधर देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि वाइट पिंक वाइट पिंक, और इधर से आप देख रहे हो ना तो एक तरफ आपको पूरा पिंक पिंक दिख रहा है, सॉरी यहाँ से आपको पिंक पिंक दिख रहा है, और इस वाली साइड पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ से वाइट वाइट दिख रहा है। लेकिन इसमें यदि आप देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है पिंक वाइट पिंक वाइट पिंक वाइट, यानी कि इधर से देखने पर पैटर्न अलग है और उधर से देखने पर पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वो यहाँ से देखने पर पूरा पता चलेगा, इधर से देखने पर नहीं चलेगा, लेकिन आप इसके थ्रू तो समझ ही गए होंगे जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बताया। इसको देख लीजिए, और इसको यदि देखना है तो इसको जस्ट सामने से देखिए, ठीक है। इसको सामने से देखने पे क्या होगा, पिंक अलग हो जाएंगे और यहाँ पे वाइट अलग हो जाएंगे, क्या इतनी बात काफ़ी है, ठीक है। चलो जी, अब जो ये वाला गुण होता है उसे क्या बोलते हैं, विषमदेशिकता बोलते हैं, और ये किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, और उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, ये वाला, यानी कि जो कण होते हैं वो एकांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। चलो जी, अगले हम बात करते हैं यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोसों का समदेशिकता गुण। अब अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या है कि मैंने आपको बताया कि भीड़ की शक्ल नहीं होती है, यानी कि अवयवी कण कहीं पर भी पड़े हुए हैं, तो उसका मतलब है ये हो गया कि सर किसी भी दिशा से देख लो हमें भीड़ ही नजर आने वाली है। तो क्या लिखा हुआ है, वे पदार्थ जिनके कुछ भौतिक गुण जैसे कि ऊष्मा विद्युत अपवर्तनांक कठोरता आदि के मान प्रत्येक दिशा में समान होते हैं, ठीक है जी, इस गुण को क्या बोलते हैं, हम समदेशिकता बोलते हैं। कारण क्या है इनका कि कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, ठीक है जी, यानी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है किसकी, अवयवी कण की, क्या पक्की बात है। चलो जी बढ़े आगे, आ जाओ। अब अगली बात आती है भाई मेरे, अतिशीतित द्रव। आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं। यदि बात की जाए अतिशीतित द्रव की, तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अब अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से देखना, अक्रिस्टलीय ठोसों को ही हम क्या बोलेंगे, अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि इनमें अवयवी कण द्रव के समान अव्यवस्थित होते हैं, यानी कि इनमें धीरे धीरे क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा बहने का गुण पाया जाएगा, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई मेरे, अतिशीतित द्रव कहते हैं। बंधों के आधार पे ठोसों के वर्गीकरण के बारे में, तो आइए देखते हैं बंध के आधार पे हम ठोसों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि बंध की बात आती है तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा क्रिस्टलीय ठोस में, सबसे पहला जो प्रकार रहेगा वो क्या रहेगा भाई मेरे, आयनिक ठोस। क्या रहेगा भाई मेरे, आयनिक ठोस। अच्छा जी, अब इनको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आयनिक ठोसों को, आणविक ठोसों को, सबको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आयनिक ठोसों में क्या है, तो आप देखेंगे आयनिक ठोस का मतलब क्या है, आयनिक जो हैं, ठीक है जी, यानी कि जो उनके अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे भाई मेरे, आयन होंगे, और उनके बीच में एक बल काम करेगा। दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि अवयवी कण कौन सा है और दूसरा यहाँ पे बल कौन सा है, तीन चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएगी, पहला तो वहाँ पे बल कौन सा लग रहा है, अवयवी कण कौन सा है, और तीसरा उसका उदाहरण पूछा जाएगा कि कौन कौन से इनके उदाहरण हैं। अच्छा जी, यदि हम बात करें आयनिक ठोसों की, तो जो इनके अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं भाई मेरे, आयन होते हैं। यदि बात करें इनके मध्य, तो कौन सा बल होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल यहाँ पे होता है, यानी कि यदि हम देखते हैं NaCl की हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, आयनीय तो हैं, कौन कौन से हैं, Na+ हैं और Cl- हैं, ठीक है, उनके बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण बल काम करेगा, ठीक है जी, इस वजह से वो क्या रहेंगे वहाँ पे, आयन्स एक दूसरे से अट्रैक्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे अट्रैक्टिव रहते हैं, ठीक है जी, यानी चिपके हुए रहते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, ये ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं, लेकिन विलयन में या फिर गलित अवस्था में सुचालक हो जाते हैं। नमक को देख लीजिए, नमक क्या है, ठोस अवस्था में तो यहाँ पे कुचालक है, लेकिन यदि मैं उसको किसी पानी में घोल देता हूँ, ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा, ठीक है जी। तो बात करें तो NaCl, Na2SO4 इनके बेहतरीन एग्जाम्पल होंगे। अगली हम बात करना चाहें यहाँ पे, तो क्या रहेगा भाई मेरे, सहसंयोजक बंध की, सहसंयोजक ठोस की हम बात करते हैं। सहसंयोजक ठोस की यदि हम बात करते हैं तो ये किसके बीच में रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर अवयवी कण जो रहेंगे, परमाणु रहेंगे,
इनके बीच में एक बंध काम करेगा जिसे बोला जाता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जब हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है जी, और आपने ये क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है। रासायनिक बंध आपने देखा था, केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पे आपने इसके बारे में विस्तार से जाना होगा कि रासायनिक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हुए रहेंगे और जो यहाँ पे अवयवी कण रहेंगे वो क्या होंगे भाई, मेरे परमाणु होंगे। अगली हम बात करना चाहें उदाहरण, तो उदाहरण क्या क्या रहेंगे, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है जी, SiO2 हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज हो गया, SiCO और एल्यूमिनियम, यहाँ पे AlN यहाँ पे इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगली हम बात करें यहाँ पे धात्विक ठोसों की, तो धात्विक ठोस क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि धात्विक ठोसों की बात की जाए तो इनमें जो अवयवी कण रहेंगे वो धनात्मक धातु आयन रहेंगे, धनात्मक धातु आयन रहेंगे, और इनके बीच में क्या रहेगा भाई मेरे, एक धात्विक बंध उपस्थित होगा, कॉपर, फेरस, निकल इनके एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपने देखी है यहाँ पे, तो पहले में आपको क्या नज़र आ रहा है कि अवयवी कण आयन है, दूसरे में क्या है, परमाणु है, तीसरे में क्या है, धनात्मक धातु है, ठीक है। पहले में बंध कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, दूसरे की हम बात करें तो सहसंयोजक बंध है, तीसरे की हम बात करें तो धात्विक बंध है, ठीक है, और तीनों के यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आण्विक ठोसों की, आण्विक ठोसों में अब आप यहाँ पे खुद ही बता सकते हैं कि सर अवयवी कण रहेंगे वो क्या होंगे भाई मेरे, यहाँ पे अणु रहेंगे, अवयवी कण क्या रहेंगे, अणु रहेंगे। ये अणु आपस में दुर्बल वान डर वाल बलों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ध्यान रखना है कि जो आण्विक ठोस रहते हैं वो किससे जुड़े रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर दुर्बल वान डर वाल बलों की सहायता से ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। अवयवी कण क्या रहेंगे यहाँ पे, अणु। यदि हम बात करें यहाँ पे तो क्या होंगे भाई, देखिए इसके एग्जांपल, ठोस CO2, बर्फ हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया। देखिएगा ये क्रिस्टल नरम होते हैं तथा इनके गलनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में कि किस प्रकार के क्रिस्टल नरम होते हैं और उनके गलनांक निम्न होते हैं। तो आपका एग्जाम्पल, आपका जो आंसर रहेगा वो क्या होगा कि जो आण्विक ठोस होते हैं वो नरम होते हैं और इनके गलनांक भी क्या होते हैं भाई मेरे, निम्न होते हैं। पक्की बात है। तो चारों चीज़ें आपने देखी, चारों चीज़ों में आपने क्या देखा है यहाँ पे कि सर एक जगह अवयवी कण क्या थे, आयन थे, अगली हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या थे, परमाणु थे, अगली हम बात करें धनात्मक धातु, अगली हम बात करें यहाँ पे आण्विक ठोस की तो अणु आ गए, ठीक है। यानी कि तीन चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, अवयवी कण क्या है, उनके बीच में बल कौन सा लग रहा है, किस बल से वो जुड़े हुए हैं, और तीसरा उनके एग्जाम्पल, उनके उदाहरण, ठीक है जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आए हुए क्वेश्चन है कि बंध के आधार पे ठोसों को वर्गीकृत कीजिए, ठीक है, या फिर बोल रहे आपको कि आण्विक ठोस के बारे में बताइए, संसंयोजक जो आपका संसंयोजक ठोस है उसके बारे में बताइए, धात्विक ठोस के बारे में बताइए, तो उनके बारे में आप यहाँ पे विस्तार से बता सकते। अब आप देखिएगा यहाँ पे तीन ही चीज़ें हैं, फिर से देख लो भाई, एक तो अवयवी कण दूसरा देखा जाए तो उनके बीच में बल कौन सा है या फिर बंध कौन सा है। यदि तीसरी हम बात करें तो उदाहरण, तो आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ तीन आधार ध्यान रखना है, अवयवी कण क्या है, बल या फिर बंध कौन सा है उनके बीच में, और उदाहरण इसके क्या क्या हैं, ठीक है जी। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में लेखा शास्त्र विषय में लेखांकन, एक परिचय, रसायन विज्ञान विषय में पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण व कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में ठोस अवस्था, परिचय और बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में व्यवसाय अध्ययन विषय में व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, और कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में कंपोजिशन, लेटर और ऑफिशियल लेटर भाग एक। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको, तो हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है
feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर, 313001।